वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन लेकर आता हूं, आपकी ही रिक्वेस्ट पर लाने की कोशिश करता हूं। ये जॉब के अपडेट भी मैं आपकी रिक्वेस्ट पर लेकर आया हूं। अगर आप हमारे चैनल से अभी नए जुड़े हैं तो आप अपनी क्वालिफिकेशन और अपना स्टेट कमेंट बॉक्स में मैंशन करके रखें। जैसी कोई अपडेट आएगी आपकी क्वालिफिकेशन और स्टेट के अकॉर्डिंग, सो उस पर हम आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आएंगे। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है दोस्तों, हम सबके लिए जॉब के अपडेट लेकर आते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले कुछ डिस्कस कर लें। ये जो जॉब है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, और आप इस जॉब के लिए किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, आसाम हो, हरियाणा हो, कोई भी स्टेट आप इस जॉब के लिए कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्ट नेम की बात करते हैं तो ग्रुप सी सिविलियन, एलडीसी, स्टोर कीपर, सफाई वाला, एमटीएस, मेस स्टाफ, कुक, कारपेंटर, धोबी, वार्ड सहायिका, जैसी आपको पोस्ट के लिए रखा जाएगा। इस जॉब का फॉर्म फिल करने के लिए आपका 1 रुपया भी चार्जेस नहीं लगेगा, बस पोस्ट ऑफिस के 10-5 रुपये चार्जेस लगेंगे। इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट, सो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भारतीय वायुसेना क्या है। बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को नीचे जो लाल कलर बटन है इस पर क्लिक करके और बेल आइकन पर क्लिक करके, ताकि आप लास्ट डेट से पहले जॉब के फॉर्म को फिल कर पाएं। आगे बढ़ते हैं डिटेल्स की ओर। सो इंपॉर्टेंट डेट की बात करेंगे सबसे पहले, तो लास्ट डेट अप्लाई करने की 11/26/2017 है। इसका ऑफलाइन फॉर्म है। फॉर्म को कैसे आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म कहां पर भेजना है, ये सारी चीजें हमने आपको एंड में बता रखी है। ऑफलाइन फॉर्म है इसका। तो वीडियो का जो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज ओपन होगा। राइट हैंड में सबसे नीचे आपको फॉर्म मिल जाएगा। बड़ी शीट पे आप जो है प्रिंट आउट निकलवाना है उसका। बाकी हम चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे फॉर्म के लिए। तो लोकेशन की बात करें तो जॉब की लोकेशन ऑल इंडिया में आपकी कहीं भी हो सकती है, कहीं भी। फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया था, 1 रुपया भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी इन्होंने प्रोवाइड किया है, यानी एससी एसटी को 5 साल का और ओबीसी को 3 साल का। आगे बढ़ते हैं फुल डिटेल्स की ओर, वैकेंसी डिटेल्स की ओर। तो पोस्ट ने मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई दिया है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 132 पोस्ट है टोटल। मोड ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल में आगे देखते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट नेम की बात करते हैं तो एलडीसी और एलडीसी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अदर क्वालिफिकेशन क्या है ये देख लेते हैं। आपको 12वीं पास होना है। 12वीं पास के साथ आपकी जो है टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश या फिर 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। सो टाइम अलाउड होना चाहिए 10 मिनट का। सो ये आपकी इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन और डिज़ायरेबल है, देख लेना। स्टोर कीपर के लिए भी आपको 12वीं पास होना है और एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर्स एंड कीपिंग एक्ट्स इन अ स्टोर ऑफ अ कंसर्न ऑफ रेप्यूट इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्शन। सो आपको स्टोर कीपर का 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने। सो कुक की बात करें तो कुक के लिए आपको 10वीं पास होना है। 10वीं पास के साथ आपका 6 महीने का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपने आईटीआई से कोई भी ट्रेड कर रखी हो कुकिंग में सो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या आपने कोई डिप्लोमा किया हो तो भी आपका चल जाएगा। उसके बाद मेस स्टाफ की बात करें तो इसमें आपको 10वीं पास होना है, डिज़ायरेबल 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज वेटर और वॉशर अप फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट। सफाई वाले के लिए बस 10वीं पास मांगा है। अगर आप 10वीं पास है तो आप सफाई वाले का फॉर्म फिल कर सकते हैं। एमटीएस की बात करें तो आपको 10वीं पास होना है। 10वीं पास के साथ आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए वॉचमैन या फिर गेस्टनर ऑपरेशन ऑपरेटर और माली फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट। दोस्तों, बस मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ उन लोगों तक ये जॉब जरूर शेयर कीजिए जो बेचारे इस जैसी जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं और उनको इन जॉबों के बारे में पता नहीं चल पाता, तो उनको ज़रूर शेयर कीजिए इस तरीके की जॉब। आगे कुछ और पोस्ट हैं, डिस्कस करते हैं। पेंटर या कारपेंटर, जिसमें आपको 10वीं पास होना है और 10वीं पास के साथ आपका आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए पेंटर या कारपेंटर का। अगर आपने ग्राफिक्स में आपने कोई कोर्स कर रखा है आईटीआई का तो भी वो चल जाएगा आपका। धोबी की बात करें तो धोबी के लिए भी आपको 10वीं पास होना है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने धोबी में फ्रॉम एनी
इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन, और आपकी नेक्स्ट जो दो पोस्ट है ये भी आप देख लेते हैं। मैं एक बार वार्ड सहायिका के लिए डिस्कस कर लेता हूँ। तो मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास होना है और 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपको मांगा इसमें वार्ड सहायिका में इन एनी हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट। आगे हम डायरेक्टली पूछते हैं कुछ और डिटेल्स पे। तो ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का फॉर्म आपका कहाँ पे आपको सेंड करना है ये मैं आपको आगे बता दूंगा। आपको एप्लीकेशन का फॉर्म जो है पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजना, रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस से। आपने देखा होगा कुछ जो है प्राइवेट पोस्ट पोस्ट करने के लिए रखे हुए हैं, तो उनसे मत भेजना है, कोरियर से ना भेजना, क्योंकि वो जो है रिजेक्शन होने के बहुत चांसेस हैं। इन्होंने डायरेक्टली मना किया हुआ है कि आपको वो फॉर्म कोरियर से नहीं भेजना। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी डेट ऑफ बर्थ में आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट लग जाएगा जिसमें फ़ोटो भी होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जहाँ तक आप जो है पढ़ाई कर रखी है वहाँ तक आप जो है इसका डॉक्यूमेंट्स अटैच कीजिए। वैसे ग्रेजुएशन वाले भी भरें इस जॉब के लिए तो मैं तो कहूँगा वो भी अच्छा है। एनी अदर डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड वो सारे आपको देने हैं। और वन सेल्फ एड्रेस एनवलप विद स्टैम्प ऑफ प्रूफ इज 5। सेल्फ एड्रेस शुड बी टाइप और नीटली हैंड रिटन इन इंग्लिश और हिंदी, और बाकी आप देख ही सकते हैं सारी डिटेल्स। आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्म है। तो फॉर्म के लिए आपको क्या करना है, तो फॉर्म का लिंक मैंने आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको क्या करना है, इसका प्रिंटआउट निकलवाना है और बड़े पेज पर प्रिंटआउट निकलवाना है। सबसे नीचे आपको फॉर्म दिखेगा राइट हैंड कॉर्नर पे, आप उसका प्रिंटआउट निकलवा के और उसको सेंड कर देना। किस किस जगह पे सेंड करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आपसे ये फॉर्म नहीं भरा जा रहा तो आप मुझे संडे को कॉल कीजिए। अगर आप मुझे संडे को कॉल नहीं कर सकते तो मेरे को वीडियो के कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करना कि सर इसका फॉर्म भर के हमें बता दो, सो ये भी मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्म का ही कुछ एक्नॉलेजमेंट है, ये आपको फिल नहीं करना। आगे बढ़ते हैं, कहाँ पर आपको फॉर्म भेजना है, तो जिस एरिया के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, मीन्स आप चाहते हैं कि हमारी पोस्टिंग यहाँ पे हो तो बेटर रहेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसके एयर ऑफिसर कमांडिंग को ये जो है फॉर्म वहाँ पर भेजना है, ये एड्रेस आपको लिखना है। जैसे कि मान लो वेस्ट बंगाल का, ये वेस्ट बंगाल के सारे जैसे कि स्टेशन कमांडर, एयरफोर्स स्टेशन, और आप ये देख सकते हैं, और बाकी आप अब मैं ये देखूँ तो आसाम वाला भी है, तो कमांडिंग ऑफिसर अरिहंत CO एयरफोर्स स्टेशन। तो इस तरीके से आपको जो है ये एड्रेस है, सेंडिंग एड्रेस है जहाँ पर आपको भेजना है। ये करीबन आपके 34 है, तो 34 में से आप देख लेना कौन सा आपके नज़दीक पड़ता है, तो आप जो है वहाँ पर इसका फॉर्म भेज देना। सजेस्ट करूँगा कि पोस्ट ऑफिस से भेजें। थैंक यू सो मच गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये जो स्क्रीन पे वीडियो आ रही है इनका भी फॉर्म भरना ना भूलें ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पर मिलती रहे और आप इन जॉब के फॉर्म भी फिल कर पाएँ क्योंकि इनकी अभी डेट नहीं निकली है। अंत में बस यही बोलूँगा, धन्यवाद दोस्तों।